हेलो फ्रेंड्स, ज़्यादातर आप सबका एक ही क्वेश्चन रहता है कि फंगल इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है। तो आज इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से एक लाइक भी कर दीजिए और नीचे कमेंट करना भी मत भूलना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करवा देता हूँ कि आज का इस वीडियो में किसी प्रोडक्ट का रिव्यू बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको मैं 5 टिप्स दूंगा कि फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए और दोबारा आपके स्किन में कभी फंगल इन्फेक्शन होगा ही नहीं इस वीडियो देखने के बाद। एक ही जगह पे फंगल इन्फेक्शन बार बार होने का पहला रीज़न, मैं जो आप सबको जो प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उन प्रोडक्ट को आप यूज़ भी करते हैं, ये मुझको अच्छे तरीके से पता है, फिर भी आपका फंगल इन्फेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म क्यों नहीं होता। तो इसके सवाल पर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप एंटी फंगल क्रीम को यूज़ करना नहीं जानते। तो मैं आपको बताता हूँ, आप एंटी फंगल क्रीम को आपको 2 महीने का कोर्स करना होगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर आप एक ही क्रीम को 2 महीने तक एक ही जगह पे जहाँ जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है उस जगह पे अगर यूज़ करोगे 2 महीने, तो आपका फंगल इन्फेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बार बार फंगल इन्फेक्शन होने का दूसरा रीज़न ये भी है कि आप ठीक से क्लीन नहीं रहते हो, आप साफ़ सुथरा नहीं रहते हो, इसीलिए अगर आपके स्किन में फंगल इन्फेक्शन है और वो किसी भी क्रीम से नहीं कमता है, तो आप लगातार अपने स्किन को सही तरीके से क्लीन रखना सीख जाओ। आपको हर रोज़ ठीक से नहाना चाहिए, आपको हर रोज़ गर्म पानी से नहाना चाहिए। अगर आप ऐसे 2 महीने तक करते हो तो आपका फंगल इन्फेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, किसी क्रीम का भी ज़रूरत नहीं है। और थर्ड रीज़न ये भी है, अगर आप एक ही कपड़े को बार बार पहनते हो, एक ही कपड़े को 1-2 हफ्ता तक पहनते हो, तो उस कपड़ों में लगे जम्स के वजह से भी आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए इस कपड़े को हमेशा धूप में सुखाकर ही आपको पहनना चाहिए अगर आपके स्किन में फंगल इन्फेक्शन है तो। और फंगल इन्फेक्शन बार बार होने का चौथा रीज़न ये भी है, अगर आपके घर में किसी को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है और ये बात आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके घर में अगर किसी का फंगल इन्फेक्शन है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो संक्रमित रोग होता है, ये एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से जा सकता है, इसीलिए आप उन लोगों से दूरी बनाए ही रहना, आप उनके कपड़ों को कभी यूज़ मत करना, आप उनके टाइल को कभी यूज़ ना करना। तो फंगल इन्फेक्शन बार बार होने का 5th रीज़न, जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आपका फंगल इन्फेक्शन बार बार हो जाता है और आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक तरीके से नहीं कम रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने फंगल इन्फेक्शन को ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने फंगल इन्फेक्शन को हल्के में ले रहे हो और आपके घर वालों के फंगल इन्फेक्शन को भी आप हल्के में ही ले रहे हो। अगर अपना फंगल इन्फेक्शन को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हो, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के रिव्यू है, उन प्रोडक्ट को जाके देखो, उन वीडियो को जाके देखो, तभी आपका फंगल इन्फेक्शन का सही इलाज हो पाएगा। और मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना, आगे नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना जिनको ये प्रॉब्लम्स है। तो मिलते हैं नए और बेहतरीन वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।